बजट 2024 को लेकर सियासत जारी है। बिहार में भी इसको लेकर राजनीति खूब हो रही है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी बजट की आलोचना की थी। वही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मंगलवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर निशाना साधा, जब उन्होंने राज्य को आवंटित 26,000 करोड़ रुपए की सहायता को झुनझुना कहा था। बाढ़ है, बाढ़ पर कोई काम नहीं हो रहा है, जनता के घर द्वार डूब गया है, दहा गया है, खाने पीना फूल गिर रहा है, लगातार हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती सब हो रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए, पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा, बिजली किसानों को बिजली भी नहीं मिलता है। हो गया चलिए, 26,000 करोड़ दिया गया, झुंझुना है, रेलवे का झुंझुना है। राबड़ी देवी के बयान पर ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जो ठीक से हस्ताक्षर नहीं कर सकती वह बजट कैसे समझेंगी। अब इसी को लेकर राबड़ी देवी भड़क गई हैं। उन्होंने आज कहा कि बीजेपी और जेडीयू तमाम बेशर्मी भरी बातें करते हैं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा, वे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूं कि उनकी माँ और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है कि वो दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। बार बार महिलाओं का अपमान करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा था कि प्रदेश में हत्याएं और चोरियाँ हो रही है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार है और किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिहार को आवंटित 26,000 करोड़ रुपए महज झुंझुना है। इसी पर ललन सिंह का बयान सामने आया था। बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता और राजद नेता राबड़ी देवी के साथ अन्य एमएलसी के राज्य विधानसभा में राजग विधायक रेखा देवी पर की गई टिप्पणी को लेकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राजद विधायक किरण देवी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वह महिलाओं का सम्मान करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कार्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने महिलाओं को जो सम्मान दिखाया है उसकी तुलना भाजपा और जेडीयू सरकारों से नहीं की जा सकती है।